अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। गया से MLC चुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव के नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत, जहानाबाद विधायक सुदय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों ने राजद उम्मीदवार नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव मैदान में नहीं आए हैं, पूरे तीनों जिलों के जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में चुनाव में लड़ने आए हैं। हम निचले तबके के जनप्रतिनिधि के हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ चढ़कर चुनाव मैदान में आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव रिंकू अकेले नहीं लड़ रहा है, प्रत्येक मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मुद्दा में हम उतरे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम नामांकन नहीं किए। पूरे तीनों जिला के तमाम मुखिया, वार्ड महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद, आज वो दिन का इंतजार कर रहे थे कि आज हम लोग को नामांकन करना है। वो दिन आ गया और सब लोग मिलजुल करके नामांकन किए हैं। इस बार का चुनाव रिंकू अकेले नहीं लड़ेगा, प्रत्येक मुखिया और वार्ड सदस्य सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी समस्याओं पे चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे साथ जितनी समस्या है वो सारे को मुद्दा बना करके, चाहे वो हमारा मान सम्मान और पहचान का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे हमारा वेतन का मुद्दा क्यों ना हो, हमारे अधिकार की रक्षा की बात क्यों ना हो, चाहे हमारे जो अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है, ये सारे मुद्दों के साथ हम इस बार चुनाव में गए हैं। और ये सारा मुद्दा हम नहीं बोल रहे हैं, तीनों जिला की जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग स्वयं इस मुद्दा को लेकर के चुनाव में उतर गए। रिंकू जी, ये बताइएगा कि जैसे ये आपके विरुद्ध महिला खड़ी है, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, विधवा महिला खड़ी है और आप उसे ही पराजित करने के लिए मैदान में हैं, ऐसे में आप राजनीति कर रहे हैं तो ये महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ तक जाएगी? सर, इस लोकतंत्र में हम तो चाहते हैं, मेरी यही तो लड़ाई है, इस चुनाव को जो अब तक 20 वर्षों में जिस तरीके से लड़ा जा गया, कुछ मानसिकता के लोग ही लड़ते थे। हम हमेशा लोगों से आग्रह किया 4 महीना में जाकर के, क्या इस बार क्या गरीब का बेटा, क्या साधारण व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम नहीं लड़ रहे हैं, ये तमाम गरीब गुरबा, साधारण व्यक्ति, सरल व्यक्ति, वो सब की सबका जो सपना खो गया था, उस सपनों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सबके समस्याओं को समाधान करने के लिए चुनाव में आया हूँ। आपके चुनाव क्षेत्र में महिला कितना वोटर है? मेरे यहाँ लगभग 50% जो आरक्षण है उस अनुसार से लगभग आपको 3600 के आसपास। चुनाव संघर्ष कैसा रहेगा जी? चुनाव तो चुनाव होता है, हम चुनाव